हाय हेलो नमस्कार मुँ जसवंत आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आउ हाँ आज आम भिडियो कौन कथा ना गायनाकोलोजी नर्सिंग, ठीक अच्छे। तो गायनाकोलोजी नर्सिंग उपर आज आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तो भिडियो को लास्ट जाए देखो। आउ हाँ आम ये भाव नर्सिंग रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन, नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा क्लास में डिस्कसन कर सारे क्वेश्चन आंसर। जदि आपने देखी ना से सब भिडियो एक डिस्क्रिप्शन में सब भिडियो लिंक अच्छे आपने देखिपारे ना जाकर चैनल को भिजिट कर देखिपारे। आउ जदि भिडियो भल लगे निश्चित भिडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, आप सांग सहित आप सब ग्रुप्रे भिड को सेयार करूँ जमीक सब पिला भिडियोर फायदा पापारे। आज जब चैनल को सब्सक्राइब करना एवं जाकर सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को अल् रखु एमती भिडियो सर्वप्रथम आपाप। आउ गोटे कथ आपको रखुच्छे सब भिडियो भाई आम आपको ये भिडियो में दुईट इमेज क्वेश्चन पचारिचु जोटा कि रईट आनसर आपको देवार अच्छी। तो देखते भिडियो को पांच नंबर आउ आठ नंबर में आपंप दुईट क्वेश्चन रखाई तार रईट आनसर जब आपको जना तो तले सांगे सांगे कमेंट कर दिंतु। आम आपर कमेंटर अपेक्षा रुचु आपर कमेंटर निश्चय रिप्लाई देव। तो देखा कैसे पिला रईट आनसर जना तो सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। आज जब आपने ह्वाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना तो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे सांगे सांगे जाए जॉइन होती से किसी क्वेरी रहा किसी क्वेश्चन रहा आमको पचारिपारे। आठ आम जो भी न्यू भिडियो छाड़ू आपने सर्वप्रथम पारे। यहाँ हम फोन पे और पेटीएम नंबर जदि आपको भिडियो टी भी इनफर्मेट लगी है टी भी हेल्पफुल लगी है देन आम हार्डवर्क को सपोर्ट करने चाहूँ था देन आपड़ी आप कैपेबल अनुजाई किसी भी पेमेंट करेंगे। आओ हाँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो देखिए पेमेंट करते तो बहुत बहुत धन्यवाद एमती आमको सपोर्ट करता आम आपको यही भाई भाव इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करूँ। आउ गोटे कथा कही रखुच्छे मेन कथा इंपोर्टेंट कथा जो मैंने भी पेमेंट करते तार स्क्रीनशॉट आमको आम व्हाट्सएप डायरेक्टली पठातु आम आपको नहीं गोटे यूनिक ग्रुप तैयारी करा सब डाउट रहा भी क्लीयर करूँ। आउ आपको किसी पीडीएफ किसी इनफर्मेटिव वीडियो देव जोटा कि आप बहुत हेल्पफुल रहा। तो जो पे पेमेंट करते निश्चिंत आमको तार स्क्रीनशॉट आमको व्हाट्सएप पठातु आम आपको से ग्रुप में ऐड करदेव। तो ठीक अच्छे आसतु आज वीडियो को स्टार्ट कर। तो आज वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व मुझ गत जो वीडियो में क्वेश्चन दुटी पचारी तार राइट आंसर आपको कही रखुच्छी तो निश्चित मन रखु। तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन थी सात नंबर क्वेश्चन में कौन थी ना डिजर्डर ऑन बेस्ड ऑन लाइन दैट इज आरो मार्क जोटा दे सोन द फोटोग्राफ इज कौन कहला ना ये जो फोटोग्राफ रे आपको इमेज टी जो आरो मार्क टी भितर आप देखिकी कौन कौ आम डिजीज कौ डिजर्डर आपुंत कौ डिजर्डर में यहीटा देखा जाए बोली। तो देखो ऑप्शन कौन थी ना हाइपरथायरॉइडिज्म ना डाउन सिंड्रोम ना ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास ना बेल्स बेल्सी। तो गोटे कथा आपको कही रखुच्छे यहाँ हूँ बहुत पिला प्राय मैक्सिमम पिला राइट आंसर देखते जब आपजे मन को राइट आंसर देते तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक अच्छे तो जोटा कि सब पाने राइट आंसर देते प्राय तो राइट आंसर कौन हम दैट इज बी डाउन सिंड्रोम। ठीक अच्छे मुझे भावि नी एत पिला राइट आंसर देवी बोली तो भावी बहुत पिला मैक्सिमम पिला राइट आंसर देते मुझे भाई कि यहाँ हार्ड क्वेश्चन रोक जोटा कि पाने मे भी कन्फ्यूज होकर रंग आंसर देते कि निश्चिंत भावी बहुत पिला पाठ पढ़ुं परिश्रम कर तो बहुत पिला राइट आंसर देते। तो ठीक अच्छे तो ये जो लाइन टाइम देखो यहाँ कौन आम हाथ में मेनली प्रोबेबली दुईटी गार थाए। ठीक अच्छे तो ये देखो गोटे गार अच्छे तो कौन पाई अच्छी कौन आम डाउन सिंड्रोम देखा जाए आपको मुझे सब डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में कहीदेवी तो जमा भी कन्फ्यूज हो ना वीडियो को बिना स्किप कर देखो एक्सप्लेनेशन देखो देयर आर टाइपिकली टू क्रेजेस इन द पाम बट इन सम पीपुल ओनली वन क्रेज इज प्रेजेंट ए सिंगल पाल्मार क्रेज अकर्स इन अबाउट वन आउट ऑफ 30 पीपुल बट इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ अदर कंडीशंस सच एज डाउन सिंड्रोम देन आस्कर सिंड्रोम और फिटाल अल्कोहल सिंड्रोम। तो कौन कहला देखु आमर मेनली कौन ना आम हाथ में मेनली टाइपिकली टू क्रिजेस जो गार भाया थाए हाथ में जो रेखा थाए तो आम मेनली दुईट रेखा थाए। ठीक अच्छे आम पाम्रे कि मेनली कौन हुए मेनली गोटे गोटे पीपुल मानतेमर सम पीपुल मानी आम गोटे क्रेज देखा जाए जोटा कि कौन ना वन आउट ऑफ 30 पीपुल मेनली 30 मैं तीसटा पीपुल भितर प्राय गोटे जनकर जमीक सिंगल पाल्मार क्रेज आम मेनली देखा जा तो से केस रे कौन हुए जो सिंगल पाल्मार केस रोचे मेनली क्या सहित अफेक्टेड सहित कौ कंडीशन सहित जड़ित देखो ये कौन देसोसीएटेड विथ द कंडीशन सच एज डाउन सिंड्रोम
देन आउ जहाँ सब रहा सिंड्रोम कौन ना आस्कर सिंड्रोम एंड फिल्टल अल्कोहल सिंड्रोम तो आम आम राइट आंसर पाइले जोटा कि कौन आम सिंगल पाल्मार का सहित आसोसीएटेड दैट इज डाउन सिंड्रोम ठीक अच्छे तो डाउन सिंड्रोम कौन थाए देखो आपको मुझे देखे दूसरी तो डाउन सिंड्रोम कौन थाए ना देखो आमर मेनली कौन हुए डाउन सिंड्रोम हाथ बा जो पापुली गुराक रहा आम फिजिकाली ग्रोथ रिटार्डेशन होता है आम लेट्रे आम ग्रोथटा हुए ठीक अच्छे तो जेहेतु आम ग्रोथटा कम हुए तो से मसल सब रहा जो सब आम सर्ट थाए तो से सिंगल आम क्रेज देखा जाए जोटा कि यहाँ मेनली कौ केस डाउन सिंड्रोम केस देखा जाए जोटा कि आम नॉर्मल क्रेज के दुईटा क्रेज देखो यही भाव जो क्रेज रहा रेखा रहा आम नॉर्मली ये दुईटा भाया थाए कि डाउन सिंड्रोम आउ जो दुईटा सिंड्रोम कहला से केस कौन ना सिंगल क्रेज थाए ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चित बुझीपे मुझे कौन कौन आपंक तो देखो आपको डाउन सिंड्रोम कौन कही रखुच्छे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम इनक्लूड लो मसल टोन शॉर्ट स्टटर ए फ्लैट नाजल ब्रिज एंड ए प्रोट्रूडिंग टंग पीपल विथ डाउन सिंड्रोम हैव ए हायर रिस्क ऑफ सम कंडीशंस इंक्लूडिंग अल्जाइमर डिजीज एंड एपिलेप्सी तो जोटा आपको कहली आम सिंगल जो क्रिज देखा जाए आम जो गोटे क्रिज देखा जाए कौन पर देखा जाए ना देखो डाउन सिंड्रोम मेनली कौन हुए ना मसल टोन आम कमी जाए शॉर्ट स्टेटर हुए जो थे कि आम प्रोट्यूड टंग टंगटा अधिका बाहरी जाए जोटा कि आम आधे भी आपंकर आड करूँ जोटा कि आम मेन्टाल रिटार्डेशन भी टिके टिके देखा जाए आउ जो रहा फिजिकाल ग्रोथ आम डिले हुए तो यही आम रहा सब कौन ना आम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउन सिंड्रोम तो डाउन सिंड्रोम रे हमर मेनली कोन देखा जीवो दैट इज वन क्रेज दैट इज सिंगल क्रेज देखा जीवो जोटा कि हमर नॉर्मल केतटा ना दैट इज दीटा ठीक अछि तो भाबजी आपण माने निश्चिंत ए ऊपर पूरा गोटे नॉलेज पाई जाइथिबे तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थला देखंदु क्वेश्चन टी पत्र हेतला कोन ना आइडेंटिफाई द बिलो इंस्ट्रूमेंट ए जो इंस्ट्रूमेंट दे छि एटा को इंस्ट्रूमेंट आपण गोटी राइट आंसर देबार थिला तो ऑप्शन कोन थिला ना एटा फिटल जॉन्डिस मीटर ना एटा डॉपलर फिटल मॉनिटर ना एटा फिटल टेम्परेचर मॉनिटर ना एटा फिटल ब्लड प्रेशर तो ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम ये क्वेश्चन टार भी बहुत पिला राइट आंसर देखते मुझे भाभी कि पिला बहुत कन्फ्यूज हो रंग आंसर देते कि मैक्सीम पिला 99% आम ठीक आंसर देते जोटा कि आम रईट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन बी डॉपलर फिटल मॉनिटर यहाँ हूँ कौन ना आम डॉपलर फिटल मॉनिटर तो यार यूजेस कौन मुझे एक्सप्लेनेशन कही रखुच्छी तो एक्सप्लेनेशन देखु एक्सप्लेनेशन कौन दला ना ये डॉपलर फिटल मॉनिटर इज ए हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर यूज टू डिटेक्ट द फिटल हार्टबीट फॉर प्रीनेटल केयर इट यूजेस द डॉपलर इफेक्ट टू प्रोवाइड एन ऑडिबल स्टिमुलेशन ऑफ द हार्टबीट सम मॉडल्स ऑल्सो डिस्प्ले द हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनिट यूज ऑफ दिस मॉनिटर इन समटाइम्स नोन एज डॉपलर ऑस्कल्टेशन द डॉपलर फिटल मॉनिटर इज कॉमनली रेफर्ड टू सिंपली एज ए डॉपलर और फिटल डॉपलर तो कौन कहला देखु इंटरेस्टिंग तो भलसे देखु भलसे मन रखु आज जब मन रोनी आपणा कलम लिखिक रखु ठीक अच्छे तो देखो ये कौन कहला ना डॉपलर फिटल मॉनिटर गोटे हूँ हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर जो थे कि कौन करूँ आम टू डिटेक्ट द फिटल हार्ट बीट फॉर प्रीनेटल केयर प्रीनेटल कहले आम बाथ पूर्व जो मैंने जड़े ओमान प्रेगनेंट जी अच्छी आम पेट भितर पिला अच्छी तो से फिटल फिटस हार्ट बीट को शुणापी आम डॉपलर को यूज कर ठीक अच्छे तापर कौन कहला इट यूजेस द डॉपलर इफेक्ट टू प्रोवाइड एन ऑडिबल स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट बीट तो ये कौन हुए ना आम हार्ट बीट फिटस आम हार्ट बीट आमको शुभे समटाइम्स आम कि जो रहा डॉपलर रे कौन हुए ना आम हार्ट बीट भी शो कै ठीक अच्छे तो यहाँ ही सी कही तो भले से आने मन रखु तो आम गोटे डॉपलर मेसीन को कमनली आम कौन बोली कही था ना कमनली आम केवल डॉपलर बोली कहू ना फिटल डॉपलर कही था ठीक अच्छे तो भाव आपने निश्चिंत बुझीगले आम डॉपलर फिटल मॉनिटर कौन आउ कौन पे यूज हुए केमती कौन यूज हुए बोली तो आपको कही रखु देखते ये इमेज टी देटा हूँ कौन देखते योटा देटा कौन हुए ना आम ऑस्कल्टेशन करा जाए आम प्रेग्नेंट जो लेडी रही आब्डोमेन में पेटर आम कि जो जेली दिहरी जो आम रहा अल्ट्रासाउंड जेली तो अल्ट्रासाउंड जेली दि जाए मानने बुला जाए तो जोटा कि आम जानवापी आम तार हार्टबीट को शुणा
ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ହାର୍ଟ ବିଟ୍କୁ ରିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଇଛି ତାର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡପ୍ଲର୍ ଫିଟାଲ୍ ମନିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ରଙ୍ଗଲି ଟାଇପିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଭୋର କମିଟି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ନୁହଁ, ଭୋର କମିଟି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି। ଆଉ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି କିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ମୋଦିଲାର କମିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଟେରସ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାର ୟୁଟେରସ୍ର କ'ଣ ବା ଆମର କେଉଁ ପାର୍ଟି ୟୁଟେରସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲେ କି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ନା ଏଇଟା ଆମର ବଡି, ନା ସର୍ଭିକ୍ସ, ନା ଇସ୍ଥମସ୍, ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତ ଆମର ୟୁଟେରସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ୟୁଟେରସ୍ର ପାର୍ଟା ଭିତରୁ କିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଗଲେ ୟୁଟେରସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ପାର୍ଟ କିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟେରସ୍ର ସବୁ ପାର୍ଟ, ଏ ରହିଲା ଯେଉଁ ବଡି, ସର୍ଭିକ୍ସ ଆଉ ଇସ୍ମସ୍। ତ ବଡି, ଫଣ୍ଡସ୍, ସର୍ଭିକ୍ସ, ଇସ୍ମସ୍, ତ ଏଇ ଚାରିଟା ହେଉଛି ଆମର ୟୁଟେରସ୍ର ପାର୍ଟ। ଏଠି ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେଇନି, ଦେନ୍ ଏଠି ବଡି ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଇସ୍ମସ୍ ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ଇସ୍ମସ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ୟୁଟେରସ୍ ହାଜ୍ ଫୋର୍ ମେଜର୍ ରିଜିଅନ୍ସ, ଦ ଫଣ୍ଡସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରଡ୍ କର୍ଭଡ୍ ଅପର୍ ଏରିଆ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କନେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ୟୁଟେରସ୍। ଦ ବଡି, ଦ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୟୁଟେରସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଲୋ ଦି ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦ ୟୁଟେରାଇନ୍ ୱାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଭିଟି ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ନ୍ୟାରୋ। ଦ ଇସ୍ମସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲୋୟର୍ ନ୍ୟାରୋ ନେକ୍ ରିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋଏଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଦ ସର୍ଭିକ୍ସ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଇସ୍ମସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଓପନ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ଭାଜାଇନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ ଦେଖାଇଦେବି, ଆଉ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବେସିକାଲି କ'ଣ କହିଲା, ନା ଆମର ଯେଉଁ ଉପର କର୍ଭ ଏରିଆ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତା ତଳକୁ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡି ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତା ତଳକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ତା ତଳକୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଲା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇସ୍ଥମସ୍। ତ ଇସ୍ଥମସ୍ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଆ ତଳକୁ ବା ବଡି ତଳକୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରୋଇଂ ପାର୍ଟଟି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇସ୍ଥମସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଦେନ୍ ଇସ୍ଥମସ୍ ପରେ ବା ଇସ୍ଥମସ୍ର ତଳକୁ ଆମର କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସର୍ଭିକ୍ସ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ଭିକ୍ସ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜ୍ଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆନାଟମି ଅଫ୍ ୟୁଟେରସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଅପର୍ କର୍ ପାର୍ଟ, ଯିଏକି ଆମର ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବଡି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ ପାର୍ଟ ତ ୟୁଟେରସ୍ର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟାରୋଇଂ ପାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇସ୍ଥମସ୍, ନ୍ୟାରୋଇଂ ପାର୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମର ଇସ୍ଥମସ୍ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ଥମସ୍ ଏମିତି ଆସିକରି ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ଭିକ୍ସ। ଦେନ୍ ଆମର ତା ତଳକୁ ଆସିଲା ଆମର ଭାଜାଇନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ୟୁଟେରସ୍ର ଯେଉଁ ଚାରିଟି ପାର୍ଟ ରହିଲା ମେନ୍ ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ତାର କ'ଣ ନା ଫଣ୍ଡସ୍, ବଡି, ଇସ୍ଥମସ୍ ଆଉ ସର୍ଭିକ୍ସ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଇଥିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ଇନ୍ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପିଲ୍ସ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ବାଏ। ତ କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କିଛିଟା କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ପିଲ୍ସ ନେଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଟା ଆମର ମେନ୍ଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସିଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ମେନ୍ଲି ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପିଲ୍ ରହିଲା ବା ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପିଲ୍ ରହିଲା ଆମର ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ତାକୁ ନେଉ ସେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ, ସେଇଟା କ'ଣ କରିକିରି ଆମ ବଡିରେ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଭିଂ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ FSH ଆଣ୍ଡ LH ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ ବି, ନଟ୍ ଆଲୋଇଂ ଦ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁଟରସ୍ ଟୁ ଫୁଲି ଡେଭେଲପ୍।
ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन फ्रॉम अकरिंग, ऑप्शन डी दैट इज प्रिवेंटिंग द स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द ओवम। तो कौन ये क्वेश्चन देता ना आमर कौन बा बॉडी भितर कौन क्रिएट करे आमर जो रहा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पिल जो कि आमर कौन हुए ना प्रेग्नेंसी प्रिवेंट हुए। ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम जब आपको जना थो सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन फ्रॉम अकरिंग। तो आमर ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बर्थ कंट्रोल पिल रहा सी आम कौन करे मैंने मन रखु आम कौन करे ना प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन फ्रॉम अकरिंग कौन ना आम ओव्यूलेशन कराया दिएनि। तो ओव्यूलेशन जो आमर कराया दौनी देन ओवम आम प्रोडक्शन हेनी देन ओवम प्रोडक्शन नम स्पर्म फर्टिलाइजेशन हम ना। ठीक अच्छे तो आम से प्रेग्नेंसी हैम्पर्ड है प्रेग्नेंसी कंट्रोल है। देखो एक्सप्लेनेशन कौन देला ना कॉम्बिनेशन ऑफ इस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टिन वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन दैट इज द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरीज दे ऑल्सो चेंज द लाइनिंग ऑफ द यूटरस टू प्रिवेंट प्रेग्नेंसी फ्रॉम डेवलपिंग एंड चेंज द म्यूकस ऑफ द एट द सर्विक्स टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग कौन कहला। देखो ये आपको कौन कही जो आम कॉम्बिनेशन ऑफ जो इस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टिन ले तो सीटा कौन करे आमर बॉडी भितर तार कौन काम करे ना प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो फास्ट तो आप जानते ओव्यूलेशन कराएनी आमर जो एग्टा रहा ओवमटा रहा आम प्रोडक्शन हुए नहीं जो कि आम प्रेग्नेंसी हैम्पर हुए। तो देन देखो कौन करे ना चेंज द लाइनिंग ऑफ द यूटरस एंड चेंज द म्यूकस एट द सर्विक्स। तो कौन करे ना जो थिकेनिंग सर्भाइकल म्यूकस तो म्यूकस को आमर कौन करे ना सर्भाइकल म्यूकस को आमर थिकेनिंग कर दिए जोटा कि आमर स्पर्म रमर जो थाए गोटे आमर एनवायरमेंट थाए गोटे भल एनवायरमेंट थाए स्पर्म को आमर भितर को एंट्री करने जोटा कि आमर हाम्पर्ड हुए कौटी दैट इज सर्भिक्स आउ लाइनिंग ऑफ द यूटरस। ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चित बुझीपारे आमर जो रहा एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन आमर बॉडी रे कौन इफेक्ट पकाए आमर केमी प्रिवेंटिंग करे प्रेग्नेंसी को। तो ठीक अच्छे भाव आपने निश्चित बुझीपारे तो देखो यही आमर रण ना इस्ट्रोजेन ना प्रोजेस्टिन आमर जो पिल रो। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो कौन दे फर्टिलाइज्ड ओवम रिचेस द यूटेरस इन कौन कहला ना आमर ओवम जो फर्टिलाइजेशन हो जामर यूटेरस से केबे पहुँच। ठीक अच्छे तो भाव आपने क्वेश्चन निश्चित बुझीगले देन आम ऑप्शन को जी आमर यूटेरस तीन रु चार दिन भितर फर्टिलाइज ओवम पहुँच ना छः रु आठ दिन भितर पहुँच ना दस रु बार दिन भितर पहुँच ना बार रु चौद दिन भितर पहुँच। तो राइट आंसर कौन हम दैट इज फर्टिलाइज्ड ओवम आमर केते दिन भितर यूटेरस पहुँच ये राइट आंसर कौन हम जब आपको जना थो सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आपर कमेंटर अपेक्षा अच्छी आपर कमेंटर निश्चय रिप्लाई देवी। तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज थ्री टू फोर डेज। तो फर्टिलाइज्ड ओवम केते दिन भितर आमर यूटेरस को आमर यूटेरस पहुँचे दैट इज थ्री टू फोर डेज। ठीक अच्छे तो तीन रु चार दिन भितर आमर फर्टिलाइज्ड ओवम यूटेरस पहुँच जाए। तो ठीक अच्छे आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देखे दूसरी देखो एक्सप्लेनेशन कौन देला ना द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट्स ग्रोइंग फास्ट डिवाइडिंग इनटू मेनी सेल्स इट लीव्स द फालोपियन ट्यूब एंड एंटर्स द यूटेरस थ्री टू फोर डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक अच्छे जो आम फर्टिलाइज्ड एग रहा आमर जो फालोपियन ट्यूब कौन होता है ना फर्टिलाइजेशन होता है। तो फालोपियन ट्यूब रु आम यूटेरस को जीवाई आमर के टाइम लगे दैट इज थ्री टू फोर डेज। ठीक अच्छे जमा भी कन्फ्यूज होबेनी निश्चिंत मन रखु आए जदि मन रोनी सांगे सांगे खाता कलम नोट कर रखु देखु तापर कौन देना ना इन रेयर केसेस द फर्टिलाइज्ड एग अटैचेस टू द फालोपियन ट्यूब दिस इज कॉल्ड ए ट्यूबल प्रेग्नेंसी और एक्टोपिक प्रेग्नेंसी एंड इट इज ए डेंजर टू द मदर। कौन कहला ना आमर जोटा कि मेन जोटा रहा फर्टिलाइज्ड ओवम बा फर्टिलाइज्ड एग आमर सेटा कौन हुए ना यूटेरस को जीवा कथा आदि आम कौन है ना यूटेरस को न जाकर आम फालोपियन ट्यूब आटाच होगा इम्प्लांट होगा देन आम कौन देखा जाए दैट इज ट्यूबल प्रेग्नेंसी देखा जाए और एक्टोपिक प्रेग्नेंसी देखा जाए जोटा कि बहुत डेंजर हो मदर पर बहुत डेंजर। ठीक अच्छे भाजपा आप निश्चित बुझीपारे
तीन रु चारि दिन भितरे आमर कौन हुए ना आमर जो फर्टिलाइज्ड ओबम फालोपियन ट्यूब रे जो आमर फर्टिलाइज हेई थाए सेटा कौन करे ना आमर यूट्रस रे जाइकरी पहुंच जाए तीन रु चारि दिन भितरे। इमेज रे देखि दोजी देखंतु आमर फर्टिलाइजेशन आ इम्प्लांटेशन केमती कौन हुए आपनकु इमेज रे देखि दैजी देखंतु आमर डे 1 रे आमर कौन हुए ना आमर जो फर्टिलाइजेशन एक बा आमर जायगोट रहिला फालोपियन ट्यूब रे से मेनली मूव आउट करे बा आमर सेल डिविजन हेइकरी से मूव आउट करे आमर यूट्रस आडकु। तो देखंतु आमर डे 1 डे 2 डे 3 टू 4 देन डे 4 तो डे 4 बेलकु देखंतु आमर एटी कोन हेची दैट इज मोरुला जो रहिला 8 सेल कॉम्पैक्टेड मोरुला आमर आसीजी यूट्रस भितरकु पळे आसी ठीक अछि। तो भाब जे आपण निश्चित बुझी परले तो आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन कोन दैची ना अरेंज द पार्ट्स ऑफ फालोपियन ट्यूब फ्रॉम मेडियल टू लैटरल ऑर्डर। तो देखंतु इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपण पई दैची देखंतु एटी कोन दैची आपण कंफ्यूज लागिवो तो जमा भी कंफ्यूज होना नहीं मुझे बुझे दूसरी। तो देखिए आप बुझला राइट आंसर आसूस ना ना। तो देखो ये कौन बेसिकली देजी ना आम आरेंज करवा फालोपियन ट्यूब रमर पार्टस को आरेंज करवा जोटा कि कौन रहा ना मेडियाली टू लैटरली जोटा कि मेडियाल कहे आम बॉडी साइड देन रडी आउटर साइड जोटा कि लैटरली। तो आम फालोपियन ट्यूब को मेडियाली रु लैटरली को आम सजेवा पार्टस आमर कौन कौन आसो ठीक अच्छे मेडियाली रु लैटरली गला बेले आम फालोपियन ट्यूब रण कौन पार्ट पाइबा आम फास्ट कौन पाइबा सेकेंड कौन पार्ट पाइबा देन आम थर्ड कौन पार्ट पाइबा एंड फोर्थ पार्ट कौन पाइबा। ऑप्शन देखो फास्ट देर कौन ना इंटरस्टिशियल इस्थमस आंपुला इनफंडिबुलम। तो यहाँ ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन कौन देखो ना ऑप्शन रो जो देची 1 2 3 4 सिक्वेंस रे रहइबो तो आपण माने एटी गेस करी देखि परिबे 1 2 3 4 सिक्वेंस कोन एई भली भाबे पार्ट रहइबो ना 1 3 4 2 रहइबो देखंतु ना 2 4 3 1 रहइबो ना 4 3 1 2 रहइबो। तो ठीक अछि एठी आपण माने ए जो सब देची एटी आपण माने मिसांतु तो कोठी माने को पार्ट कहां पर आसीबो आपण को एठी राइट आंसर देबार अछि। तो देखंतु एई भली आपण को मध्ये क्वेश्चन आसी पारे बहुत कोडी क्वेश्चन तो एई भली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपण को निश्चय आसीबो ट्रिपल एस। तो ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम देखा कैसे पिला राइट आंसर दौरान। तो आम फालोपियन ट्यूब को यदि आम मेडियाली आम जीवा लैटरल आड़क तो आम कौ कौ पार्ट पाइबा आम फास्ट कौन पाइबा देन सेकंड पार्ट देन थर्ड पार्ट देन फोर्थ पार्ट आम कौन कौन पाइबा ठीक अच्छे देखा कैसे पिला राइट आंसर जना। तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज 1 2 देन 3 देन 4। तो आम फास्ट कौन पाइबा आम मेडियल रु लैटरल आसला बेले फास्ट पाइबा इंटरस्टिशियल देन तापर पाइबा इस्थमस देन तापर पाइबा आंपुला देन तापर पाइबा इनफंडिबुलम। तो आपन को मु इमेज रे देखि देबी जमा भी कंफ्यूजन नै आपन माने सेट निश्चिंत बुझि जेबे। तो आपन को एक्सप्लेनेशन ने देखि दोजी देखंतु एक्सप्लेनेशन ने कोन दला ना इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स दैट इज इंट्रा मोरुला इनसाइड द यूटेराइन वॉल दैट इज इस्थमस द थिकेंड वॉल देन आंपुला ए थिन वॉल एक्सपैंडेड एरिया देन इनफंडिबुलम ए ट्रम्पेट शेप एंडिंग दैट ओपन्स इनटू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द ऑस्टियम एंड इज फिंगर्ड बाय द फिम्ब्री ठीक अच्छे। तो कौन कहला ना आम जो फालोपियन टी रहा फालोपियन ट्यूब रहा आम जोटा रहा तार चारिटा सेगमेंट जोटा कि फास्ट रहा आम कौन ना इंट्रा मोरुला जोटा को आम कौन बोली कहू दैट इज इंटरस्टिशियल आम कहू इंट्रा मोरुला को देन तापर आसला कौन ना आम इस्थमस देन तापर आसला आंपुला देन आम कौन आसला ना इनफंडिबुलम ठीक अच्छे। तो आम यारिट पार्ट आसला आपको इमेज रे देखी दूसरी आप निश्चिंत बुझीपारे। तो देखो आम देखा कौन ना मेडियाली रु आम लैटरल जी। तो देखो आम बॉडी यहाँ हूँ मेडियाल पार्ट देन यहाँ हूँ लैटरल पार्ट ठीक अच्छे। तो आम मेडियाल लैटरल पार्ट गला बेले आम कौन कौन पाइबा देखो आपको देखे दूसरी। तो यहाँ रहा मेडियाल यहाँ रहा आम लैटरल तो आम मेडियाल रु लैटरल गला बेले आम कौन कौन पाइबा देखो फास्ट आम कौन पाइले दैट इज फालोपियन ट्यूब फास्ट जो फास्ट रहा आम इंटरस्टिशियल देन देखो सेकेंड कौन पाइले दैट इज इस्थमस तो आम सेकेंड पाइले इस्थमस देन देखो तापर कौन पाइले दैट इज आंपुला पाइले तीन नंबर रे आंपुला पाइले देन कौन पाइले दैट इज इनफंडिबुलम। तो चार नंबर रे पाइले इनफंडिबुलम जो आमको देखा कि मेडियाल रु लैटरल गला आम कौन कौन पाइबा तो आम ए चारिटी पाइबा जोटा कि यही सिक्वेन्स रहा फास्ट रहा इंटरस्टिशियल जो तप रहा इस्थमस तप रहा आंपुला देन तप रहा इनफंडिबुलम। तो आपने जमा कन्फ्यूज हेबेनि आग कौटा हम पछ कौटा हम निश्चिंत आप स्क्रीनशॉट मारी रखु ना आपने मन रखु ना आपने नोट्रे लिखिक रखु। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी
नेक्स्ट देखो पांच नंबर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जोड़ा कि आपकी आपको राइट आंसर कहार अच्छी तो क्वेश्चन टी देखो आइडेंटिफाई द प्रोसीजर परफर्म ऑन ए पेशेंट विद द बिलो इमेज तो ये जो इमेज टी आमर एटी कौ प्रोसीजर होती राइट आंसर कहार अच्छी तो ये चार ऑप्शन भितर राइट आंसर कौन हम देखो फास्ट ऑप्शन ये इंट्यूबेशन होना हाइड्रोटोमी होना क्राइकोथायरॉयडोटोमी होना ट्राकियोस्टोमी होती तो ये जो प्रोसीजर टी आम कौ प्रोसीजर ये आपको राइट आंसर कहार अच्छी तो भावुँ ये 100% राइट आंसर मत मिल कमेंट सेक्शन में आम अपेक्षा करूँ तो जल्दी जल्दी राइट आंसर आपको जब जना सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम आपको कमेंटर अपेक्षा रही निश्चित आपंपर कमेंटर रिप्लाई देव तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छः नंबर क्वेश्चन कौन देना मिस्टर्स अमृता हार्ड आबर्सन ड्यूरींग सिक्स विक अफ गेस्टेसन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन ड्यूरिंग द पीरियड इज नोन एज तो ये कौन दे जो क्लाइंट रही है जहाँ ना रहा अमृता आबर्सन होते विक्रे ना सिक्स विक्रेर आबर्सन हो तो जो प्रडक्ट जो कन्सेपन तर जो पीरियड में ग्रोथ होता जो पीरियड में आबर्सन है तो आम से पीरियडटा को आम कौन बोली ठीक अच्छे तो भल से क्वेश्चन टी पढ़ु देन ऑप्शन को जी तो ऑप्शन कौन दे ऑप्शन ए फिटस ना जाइगोट ना एम्ब्रियो ना ब्लास्टोसिस्ट तो मेनली आपको क्वेश्चन टी पचार कौन ना आमर जो सिक्स पीरियड में अमृता आबर्सन है तो आम से जो पीरियडटा को आम कौन बोली तो ऑप्शन राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज एम्ब्रियो तो आमर से जो कन्सेप्शन में जो आम प्रोडक्ट थिला तो आम कौन बोली कहवा दैट इज एम्ब्रियो बोली कहवा ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो आम एम्ब्रियो केते स्टेज फिटस केते स्टेज जाइगोट केते स्टेज आपको मुझे कहीदे तो जमा भी भूलिबे तो ये थे मन रखु जमी आप जमा भी जीवन में भूलिबे ठीक अच्छे तो आपको देखे देखूँ कौन कहला देखो आम प्रीनेटल डेवलपमेंट जोटा कि वूम भितर होता प्रीनेटल डेवलपमेंट बाथ पूर्व जो डेवलपमेंट होता है फर्स्ट स्टेज रहा कौन ना जाइगोट सेकेंड स्टेज रहा कौन दैट इज एम्ब्रियो थर्ड स्टेज रहा कौन दैट इज फिटस फर्स्ट स्टेज आमर के फर्स्ट टू विक्स तो फर्स्ट टू विक्स को आम कौन बोली कह जाए ना जाइगोट बोली कह जाए देन स्टेज टू एम्ब्रियो जोटा रहा टू टू एट विक्स तो आमर जो अमृता दे जे क्लाएंट तर आम केबर्सन आबर्सन होना सिक्स विक्रे तो आम सिक्स विक्रे जेहेतु अच्छी जो आम प्रडक्ट अच्छी से आम कौ मैंने कौ फेज्रे अच्छी दैट इज एम्ब्रियो फेज्रे अच्छी जोटा कि आम रईट आंसर है तो देखो तापर कौन हम ना एट टू फर्टी विक्स जाए आम कौन बोली कह दैट इज फिटस बोली कह ठीक अच्छे तो एट रु फर्टी विक्स फिटस टू रु एट विक्स आम एम्ब्रियो देन फास्ट टू विक्स आम कौन बोली कहू ना जाइगोट बोली कहू ठीक अच्छे तो भाव आपने निश्चित बुझीगले देन आपको आपने स्क्रीनशॉट कर रखिपारे ना आपने खाता कलम लिखिक रखिपारे ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते कौन अच्छी ना एंडोमेट्रियम आफ्टर कन्सेप्शन इज नोन आज तो आम जो कन्सेप्शन होमें एंड्रोमेट्रियम को आम कौन बोली एंड्रोमेट्रियम को आम आउ कौन बोली तो ऑप्शन देखो पेरीमेट्रियम कहू ना मायोमेट्रियम कहू ना प्रोमेट्रियम कहू ना डेसीडुआ बोली कहू तो एंड्रोमेट्रियम को मेनली आम कन्सेप्शन टाइम आम आउ गोटे ना आम आउ कौन बोली कही था ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम तो भावी आर राइट आंसर बहुत पे देते तो देखा कैसे पे राइट आंसर जना तो सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन डी डेसीडुआ तो आमर आफ्टर कन्सेप्शन एंडोमेट्रियम को आम आउ कौन बोली कही था ना डेसीडुआ बोली कही था ठीक अच्छे तो भावी आपर निश्चिंत मन पड़ जाइव आपने निश्चिंत क्वेश्चन को सब पढ़ी थे आगुरी ना आपर जो क्लास होता है आपंकर जेएनएम कि बीएससी नर्सिंग में आपने निश्चिंत पढ़ी थे ठीक अच्छे मुझे एक्सप्लेनेशन देखे देखते कौन दे डेसीडुआ इज द टर्म फर दि मॉडिफाइड म्यूकस दल लाइनिंग अफ दि यूटेरस दैट इज मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम ड्यूरींग ए प्रेग्नेंसी व्हिच forms the maternal part of the placenta decidua is formed in a process called decidualization under the influence of progesterone डेसीडुआलाइजेसन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स इन एर्ली प्रेग्नेंसी तो कौन कहला ना डेसीडुआ हूँ कौन ना आम जो म्यूकोसल लाइनिंग रहा यूटेरस रमर आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड आम एंडोमेट्रियम तो एंडोमेट्रियम उपरे जो आम म्यूकोसल लाइनिंग रहा आम कौन बोली कहू दैट इज आम डेसीडुआ ठीक अच्छे तो आम मेनली डेसीडुआ कौन क्या कही था ना आम एंडोमेट्रियम को आम डेसीडुआ कही था कौन आफ्टर कन्सेप्शन और ड्यूरींग प्रेग्नेंसी आम एंडोमेट्रियम को आउ कौन बोली कही था ना डेसी
डुआ बोली कही था। ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चिंत बुझीपारे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी आठ नंबर क्वेश्चन जोटा कि आपको राइट आंसर देवार अच्छी तो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भावी क्वेश्चन टी हार्ड रोक तो देखा कितने पिला आंसर जना तो देखो क्वेश्चन कौन देना आइडेंटिफाई द नेल डिजर्डर आज सोन इन द फोटोग्राफ तो यही जो इमेज रे देची गोटे नेल डिजर्डर तो आम कौन बोली कहू ये आपको राइट आंसर देवार अच्छी। ठीक अच्छे तो भल से देखो इमेज टी आम नेल टी केमी कौन है देन ऑप्शन रू आप राइट आंसर बाछिबे बा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो ऑप्शन देखो ऑप्शन कौन देटा हूँ आम आनोनाइजिया ना कोइलोनाइजिया ना क्लबिंग ना मेलनो नाइचिया। ठीक अच्छे तो यार राइट आंसर कौन हम तो जदि आपको राइट आंसर जना सांगे सांगे आपण मैंने राइट आंसर तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम आप कमेंटर अपेक्षार अच्छे देखा कितने पिला राइट आंसर दौरान आज जो पाला राइट आंसर जना ना जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना आर राइट आंसर मुझको नेक्स्ट वीडियो में आंसर कह सहित तो फुल्ली एक्सप्लेनेशन करदेवि तो ठीक अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करूँ आर राइट आंसर जानवाप तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक तो बहुत पे मानक क्वेश्चन आ मेसेज आसाला कि सार आमको गायनेकोलोजी ऑब्स्टेट्रिक रिगार्डिंग आमको बहुत गुड़ी क्वेश्चन दिंतु कारण ओ ट्रिपल एस रे क्वेश्चन बहुत आसवर चान्स अच्छी तो हाँ आपको मुझे रखुची ओ ट्रिपल एस रे मेनली बहुत गुड़े क्वेश्चन आसता है आम गायनेकोलोजी ऑब्स्टेट्रिक रु तो जमा भी ये क्वेश्चन सब हाथ छड़ा करूँ ना भिडियो को लास्ट जाए देखते आज जब भिडियो आपको भल लगे निश्चिंत चैनल को जाए सब्सक्राइब करूँ। ठीक अच्छे तो 9 नंबर में कौन दे लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मेनी डेज तो आम केते दिन परे आमर लेबर देखा जाए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड केते दिन परे आमर लेबर देखा जाए देखो टिके आपको क्वेश्चन टी बंक तो देखा कितने पिला राइट आंसर दौरान ऑप्शन देखो 260 दिन 250 दिन 280 दिन 270 दिन तो आमर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड केते दिन परे आमर लेबर देखा दिए बा लेबर हुए। ठीक अच्छे तो देखा कितने पिला राइट आंसर दौरान आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज 280 डेज। ठीक अच्छे आपण मैंने जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना ये टी बुले लेबर टेक्स प्लेस। ठीक अच्छे आप कन्फ्यूज होते हैं ये था प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस ईडीडी टेक्स प्लेस आपने निश्चिंत कह पारे। ठीक अच्छे जमीक आपने जानते आम ईडीडी कैलकुलेशन केमी हुए तो से भाव आम लेबर से ही दिन ही आम मेनली आम धरा जाए गोटे एक्सटिमेट नि जाए कि यही दिन आम लेबर आम प्रेगनेंसी आमर हम बोली। ठीक अच्छे तो देखो एक्सप्लोटेशन डेट ऑफ डिलीवरी आप जानते 9 मंथ प्लस 7 डेज तो से भाई भाव आम जो कैलकुलेट करूँ के दैट इज 280 डेज रे आम प्रेगनेंसी आम लेबर देखा जाए अथवा आम 40 वीक्स रे आम प्रेगनेंसी आम लेबर देखा जाए। ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज होने निश्चिंत मन रखु आम लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल केते दैट इज 280 डेज तो आपको ये जी 280 डेज जगह 40 वीक्स दे था आम 40 वीक्स भी राइट आंसर होता। ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज होने ये क्वेश्चन आपको निश्चय ओ ट्रिपल एस आसो तो एक्सप्लेनेशन देखो प्रेगनेंसी यूजुअली लास्ट अबाउट 40 वीक्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑल्सो कॉल्ड एलएमपी टू योर ड्यू डेट। ठीक अच्छे कौन कहला ना आम जो प्रेगनेंसी कैलकुलेट हुए जोटा कि जानते हैं आपड़ मैंने लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रो फर्स्ट डे देन आम जो रहा कौन ना एक्सपेक्टेशन ड्यू डेट जोटा कि रहा 9 मंथ 7 डेज जोटा कि मेनली के 40 वीक्स अथवा आम जो रहा 280 डेज। ठीक अच्छे तो 280 डेज रे कौन हुए ना आम प्रेगनेंसी हुए आम लेबर देखा जाए। ठीक अच्छे तो भाजपा आपने निश्चिंत बुझीपारे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन देती ना हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम इज तो कौ हार्मोन आम हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम पर रेस्पोनसबुल आपको ये राइट आंसर देवार अच्छे तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम कहे कौन ना आम एक्सेसिव नजिया एंड वोमिटिंग हेबाकु आमे हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम को टाइम रे ना प्रेगनेंसी टाइम रे। ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखु आम कौ हार्मोन रेस्पोनसबुल ऑप्शन ए ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन रेस्पोनसबुल ना ह्यूमन कोरियोनिक गोनाट्रोपिन रेस्पोनसबुल ना प्रोजेस्टिनोन रेस्पोनसबुल ना रिलैक्सिन रेस्पोनसबुल तो आपको यदि राइट आंसर जना तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो कौ हार्मोन आम हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम पर रेस्पोनसबुल तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाट्रोपिन तो आम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाट्रोपिन को आम आउ कौन बोली कही था दैट इज एच सी
जी ठीक अच्छे तो एससीजी बोली कही था तो एससीजी हार्मोन आमर हाइपर एमेसिस ग्राविडरम पाई रेस्पॉन्सिबल ठीक अच्छे। तो आपको एक्सप्लेनेशन देखे दूसरी देखो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट नोन हाउएवर इट इज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय ए रैपिडली राइजिंग ब्लड लेवल ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन जोटा कि रहा एससीजी। तो कौन कहला ना एक्जाक्ट कॉज ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आमर एटा अननोन किंतु एटा आमर कौन बिलीव हुए ना आमर रैपिडली आमर जो ब्लड लेवल रे आमर ब्लड लेवल रे जो हार्मोन आमर इनक्रीज होउची जोडा कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन आमर मेनली सेइति पई कौन हुए ना आमर वोमिटिंग एंड नोजिया देखा जाए जोटा कि आम कौन बोली कहू दैट इज हाइपर हाइपर एमेसिस ग्राविडरम ठीक अच्छे। तो भाजपा आप निश्चित बुझीपारे तो हाइपर एमेसिस कहले कौन दैट इज आमर वोमिटिंग आउ नोजिया जोटा कि आमर किए कराई थाए को हार्मोन रिस्पॉन्सिबल दैट इज आमर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन। तो ठीक अच्छे जमा भी कन्फ्यूज होबेनी जमा भी भूलबेनी यहाँ हूँ आम फोनपे और पेटीएम नंबर जदि आपको भिडियो टी भी हेल्पफुल लगी टी भी इनफर्मेटिव लगी देन आपड़ कैपेबुल अनुजाई किसी भी पे करेंगे आउ हाँ जो मैंने प्रीवियस भिडियो देखिए पेमेंट करते बहुत बहुत धन्यवाद एमती आमको सपोर्ट करते एमती आम आपको आहरी इंटरेस्टिंग भिडियो प्रोवाइड करूँ आउ जो मैंने पे करूँ तार स्क्रीनशॉट आमको आम व्हाट्सएप नंबर में डायरेक्ट आमको सेंड करूँ आम आपको नहीं गोटे यूनिक ग्रुप तैयार करेंगे आम कि एम्फासीस दूचु तो जदि आप पे करते सांगे सांगे आमको स्क्रीनशॉट शेयर करते ठीक है। आउ जब आपको भिडियो भल लगी थे निश्चय वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपको सांग सहित आप सब ग्रुप वीडियो को शेयर करूँ जमीक सब पिलार लाभ पारे आउ हाँ जब आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना जैक डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे जैसे शीघ्र शीघ्र जॉइन होती आम से किसी भी अपडेट किसी भी न्यू वीडियो आम से आग छाड़ पार्चु आपचय सर्वप्रथमें आग पारे तो ठीक अच्छे दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना एवं जाकर सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को अल्ले रखु आमको एमती सपोर्ट करता आम आपको यही भाव इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो आउ गोटे कथा आपको आपंकर हार्डवर्क ही आपको ओ ट्रिपल्स गोटे सीट दबो तो वीडियो को देखा सहित आपे आपश्रम करूँ जमीक आपल्स गोटे सीट पारे ठीक अच्छे। वीडियो को लास्ट पर्यटन देखिए बहुत बहुत धन्यवाद तो नेक्स्ट देखा एमती गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो सहित आज रही जय जगन्नाथ।